हम लोग सब आए हैं यहाँ उस परिवार से मिलने के लिए जिसकी बच्ची 16 साल की बच्ची के साथ एक इतना घिनौना और बर्बर तरीके से उसकी हत्या हुई। और इसमें पुलिस का रोल तो बहुत ही खराब रही है, क्योंकि इस इलाके में जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, लड़कियों की सुरक्षा के बारे में जब भी कोई कंप्लेंट होती है पुलिस कतई कुछ करती नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसके अलावा ये जो लोग कहते हैं कि पब्लिक देख रही थी कुछ नहीं किया, तो ये पब्लिक देख रही थी नहीं किया, हम लोग कैसे समाज बना रहे हैं? ये देश की राजधानी है, अब हम जनता को दोष देंगे कि तुमने क्यों नहीं कुछ किया? जनता चाहती है करना, वो चाहती है बचाना, लेकिन पुलिस के डर के मारे इस समाज अभी भय पर आधारित है। और इस भय के आधार पर लोग डरते हैं कि अगर हम आए और कुछ करें तो हमें फंसाया जाएगा। तो ये तो यहाँ सरकार और पुलिस और एलजी सबको मिलकर करना चाहिए यहाँ इसके बारे में प्रचार। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, इस इलाके में मुस्लिम हिंदू सभी दलित सभी एक साथ रहते हैं, सब मजदूर हैं। एक भी घटना नहीं घटी है जिसमें ऐसे कोई सांप्रदायिक बू भी आई है, लेकिन आज ये बीजेपी आरएसएस यहाँ के कहती है लव जिहाद। मैं कहती हूँ इसको बंद करो, इसको रोको। ये सांप्रदायिक रंग देने का, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, आप केवल सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए आप काम करेंगे, ऐसे मत करो। हमारे देश की लड़कियों की भविष्य का सवाल है। डोंट प्ले विथ विमेन सिक्योरिटी इन दिस वे।